એટલે આ પાછળનું બધું આવતું એમાં શ્યોર નહીં આના તો એડજસ્ટ હો જાય ધ ફર્સ્ટ મારી સ્પીચ એટ આઈ સ્ટાર્ટ વિથ ઇટ ઇંગ્લિશ તો ઇંગ્લિશ થી ચાલુ કરેંગે તો જર્ની ટુવર્ડ્સ રેકોર્ડ્સ સે પદ્મશ્રી નોમિની તક એ પૂરી જર્ની કી એક ડિસ્ક્રિપ્શન દે રહા હું સર તો જર્ની સ્ટાર્ટ હોતી હૈ 2016 સે 2016 સે લેકે 2023 તક અબ તક 200 પ્લસ રેકોર્ડ્સ ઓર અભી યે ફાઇનલ જો મીડિયા કવરેજ હો રહી હૈ યે હૈ પદ્મશ્રી નોમિની કે લિયે સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ અ બિગ અચીવમેન્ટ ફોર મી ફોર માય ફેમિલી ઓર મેરી કંપની કે લિયે યહાં તક પહોંચને કે લિયે 7 સાલ લગે 7 યર્સ ટોટલ સો ઇસમે એક સ્ટેટમેન્ટ થા કે યહાં તક પહોંચે કૈસે તો કાફી અચ્છી સી એક રાઇમિંગ થી કે ગોડ નોઝ ગુડ મોમ નોઝ બેટર એન્ડ ધ વાઇફ નોઝ ધ બેસ્ટ का चक्कर था कि उसको सेलिब्रिटी की तरह रहना था तो मैंने बोला अभी इसको सेलिब्रिटी तो ये सेलिब्रिटी बनाने के चक्कर में ये सारे रिकॉर्ड्स किए तो 200 वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मेरे पास 11 नेशनल रिकॉर्ड है आई हैव 200 प्लस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 4 डॉक्टरेट्स है जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंटरप्रेन्योरशिप रिकॉर्ड होल्डिंग और इनोवेशन और लास्टली अभी सरदार पटेल का अवार्ड विद अब्दुल कलाम साहब का अवार्ड और द नेक्स्ट हम जा रहे हैं वो G20 में जा रहे हैं दिस ईयर दिल्ली 8th of April और G20 में सिर्फ 320 पीपल अक्रॉस इंडिया जो अपनी स्पीच दे गए कि आज तक उन्होंने अपने फील्ड में क्या क्या किया हुआ है वो फील्ड का पूरा इंफॉर्मेशन हमको 3 मिनट में देना है जो G20 में रिलीज़ होगा दैट विल बी रिलीज्ड इन 29 कंट्रीज और हम वर्ल्ड मीडिया के सामने हो गए सो दिस इज स्टिल नाउ द रिकॉर्ड जर्नी आज तक हम लोग ने कोलोबरेट करके आगे तक बढ़े इसमें 40 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने हेल्प की है मेरी यहाँ तक पहुँचने में सो उन लोग का बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने हेल्प की मोटिवेशन के लिए फादर है जो आज 50 ईयर्स से वो काम कर रहे हैं मॉम है उनके ब्लेसिंग्स है और जैसे मैंने पहले बताया वाइफ है जिसने बोला था कि उसको सेलिब्रिटी बनना है तो इसीलिए ये तैयारी है एंड आई हैव अ ग्रोइंग सन उसने बोला था कि डैड हु आर यू बोला बेटा आई एम ऑन गूगल द ओनली थिंग आई कैन से थैंक यू बेसिकली जर्नी स्टार्ट की थी मैंने 2015 में एक्चुअल में ऐसा था कंपनी वॉज नॉट डूइंग वेल तो कंपनी जब भी सही ढंग से नहीं चल रही थी तो आई बेसिकली थॉट के अब क्या कर सकते हैं क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं कि कंपनी कहीं पे एक पोडियम तक पहुँचे या वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे तो जर्नी शुरू कलेक्शन से मर्चेंडाइजिंग से मेरे वेंडर्स हैं जिन्होंने हेल्प की कि वहाँ पे हाउ डू वी फोकस दैट और उसके साथ में बताया जैसे वाइफ ने बताया था तो पहले अवार्ड लेने के लिए मैंने कम से कम 12 महीना इंतज़ार किया और वो 12 महीने ऐसे थे कि कोई भी मेरा रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो अगर एक रिकॉर्ड जिसने एक्सेप्ट किया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया करके उसके बाद सेकेंड रिकॉर्ड वापस बनाना था तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ सो इट वॉज़ नॉट अ ईजी टास्क कि मेरे को एक अवार्ड के बाद दूसरा अवार्ड ऐसे ही मिल रहा है हर किसी के लिए पेपर वर्क करो खुद पीआर करो खुद उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है और खुद अवार्ड के लिए एप्लीकेशंस जो 6-6, 8-8 महीने लेते थे एक एक एप्लीकेशन के लिए तो इतना पेशेंस रख के बैठो अपनी टीम को इतना मोटिवेट करके रखना पड़ता था कि भाई हम कहीं पहुंचने वाले हैं तो आप हार मत मानो गेट योरसेल्फ रेडी एवरी डे यहाँ तक पहुँचना तो जर्नी छोटी नहीं है 7 साल में ऐसे लग रहा है कि मैं 70 साल का हो गया हूँ अभी पर बाकायदा 42 ही हूँ पर मेहनत बहुत लगी है इसमें
7 साल की जो जर्नी है उसके अंदर कोविड भी आया, तो उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे कि उस डिफिकल्ट टाइम में आप आगे बढ़े अपने स्टाफ को लेके, अपने कस्टमर्स को लेके? कोविड टाइम बहुत टफ था, रिटेल बंद थी, स्टाफ मेरे साथ था, मेरा स्टाफ मेरा फैमिली है, सो उनका स्टाफ है, उनके पेरेंट्स है, बच्चे हैं, खाली इतना ध्यान में रखा था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई दवाई के मारे मरेगा नहीं, और जितने लोग यहाँ रहना चाहते थे वो रह यहाँ पे, तकरीबन 5 स्टाफ मेरा मेरे स्टोर पे रहता था, खाना पीना के साथ में उनको यहीं, और किसी को भी तकलीफ होगी दैट विल बी क्योर्ड इमिजिएट। तो 2 साल तक हम लोग ने काम नहीं किया, ना रिकॉर्ड्स में ना इसमें, तो 200 रिकॉर्ड पहुँचने के लिए भी टाइम लगा, और स्टाफ ने हिम्मत बताई कि हम सर वापस से कम बैक करेंगे, और उतनी फोर्स के साथ कम बैक करेंगे, सो उनका हेल्प और क्या मालूम प्रोत्साहन, और ऊपर कोई बैठा है पावरफुल जो हेल्प कर रहा है ये सब चीज़ों में। पद्मश्री की अगर बात करें, बहुत बड़ा जो है सम्मान है ये, उसके नॉमिनेशन में आना आपके लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी प्राउड की बात है? सर मैं सच बताऊं, पद्मश्री के लायक मैंने मेरे को खुद को भी मैंने नहीं समझा था कि मैं पद्मश्री के नॉमिने तक भी पहुंचूंगा। तो पद्मश्री ऐसे हुआ कि गोल्डन स्पैरोज करके ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ टाइड अप विथ ऑल इंडिया रेडियो, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नाम सजेस्ट किया था, जब भी इतने रिकॉर्ड्स मैं पूरे कर चुका था, तो उन्होंने बोला सर कि आपके पास नेशनल रिकॉर्ड है तो प्लीज़ आप एक ये एप्लीकेशन भी डाल दीजिए या हमको अलाउ करिए। तो थैंक यू तिलक सर और आरती मैम जिन्होंने फोन किया मुझे, नहीं तो मैं एप्लीकेशन तक भी नहीं पहुंचता, और एप्लीकेशन छोड़ो कि लाखों की संख्या में से जो 999 लोग सिलेक्ट होते हैं उसमें से मैं एक नॉमिनी बन गया, सो दैट वाज ग्रेट अचीवमेंट। और ये सर्टिफिकेट ऐसा है कि मैं बाकी सारे सर्टिफिकेट साइड में रखूँ टू बी अ इंडियन के मैं यहाँ पर ये होल्ड कर पा रहा हूँ, अरे नॉमिनेशन तक भी आया तो भी बहुत बड़ी बात है। सर वो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, एक्चुअल में गिनीज के लिए हम लोग ने 7 ईयर्स तक ट्राई की, हमारा टाइटल रजिस्टर नहीं हुआ। अब ऐसा हुआ कि G20 एक मूवमेंट आया हमारे पास में, और उन्होंने बोला कि आप अपना काम बताओ, आपने इंडिया के लिए क्या किया है, आप खुद का बिजनेस तो कर रहे हो ट्रेड और इंडस्ट्री में, आपने अपना काम किया है, आपने इंडिया के लिए क्या किया? ये बोलने का चांस मुझे दिया गया, मुझे मिला, या मेरे माँ की ब्लेसिंग्स रहेगी कि ये चांस मिला, एंड नाउ वॉट एवर आई विल स्पीक फॉर 3 मिनट्स कि ये मेरी इंडस्ट्री, ये काम है, ये रिकॉर्ड्स है, इसलिए आज गिनीज मुझे उस चीज़ के लिए अवार्ड देने वाला है। सो April 8th को गिनीज ये सम्मान करेगा कि तुमने जो काम किया है आज हम उसका सर्टिफिकेट देने वाले, आज तक तुम हमारे पीछे पड़े थे, आज हम सामने से आ रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट देंगे। सो G20 वाज इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर आल्सो। अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप को वो तवज्जो देते हैं, खुद एक एंटरप्रेन्योर है, क्या कहना चाहेंगे हमारे देश में जिस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ रहा है उसको लेके क्या क्या सोचते हैं आप? सर ट्रेड और इंडस्ट्री को हम लोग को आज तक कभी कोई प्रोत्साहन मिला नहीं था, मोदी साहब 2014 में जब ही इलेक्ट होके उन्होंने सबसे पहली बात जो मेक इन इंडिया, तो MBO स्टोर बाई इटसेल्फ मेक इन इंडिया में, और अभी MBO स्टोर से MBO स्टोर्स पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग एज अ कंपनी। तो ये होता है कि आज हम इंडियन मार्केट पकड़ के चल रहे हैं, इंडियन प्रोडक्शन हम लोग चला के चल रहे हैं, और मोदी जी ऐसा चांस दे रहे हैं कि एज अ एंटरप्रेन्योर आप ग्रो करिए, वो ग्रो करने के चक्कर में इतना काम हो जाता है हमारा कि वेंडर्स सामने से आते हैं, काम स्मूथ होता है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने पड़ते, आफ्टर 2014 MBO हैज़ नेवर यूज्ड एनी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और ट्रेड और इंडस्ट्री को यहाँ तक सम्मान के वहाँ पे टाइटल पे ही उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री करके एक फैकल्टी डेवलप की, आज तक पद्मश्री में ट्रेड और इंडस्ट्री करके कोई फैकल्टी नहीं थी। सो थैंक यू मोदी जी कि हम जैसे व्यापारी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, सो थैंक यू लोग्स। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, MBO 2 भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में कुछ होगा उसके अंदर, क्या आप जो है लेडीज उसके अंदर कुछ शेयर करना चाहिए कि क्या प्लान्स है, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? MBO 2 MBO 1 की बेबी है एक्चुअल में, और MBO 2 सिर्फ एक MBO 2 तक नहीं रहेगा, अभी MBO कम से कम 6 नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, 6 नए कोलोब्रेशन पे काम कर रहा है,
सो एमबीओ का एक जर्नी फॉर अवार्ड्स, एमबीओ टू एक नई जर्नी के साथ में चालू होने वाला है, वो भी अवार्ड्स की दुनिया में आ रहे हैं, वो भी ग्रोथ में आ रहे हैं, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप देखोगे कि एमबीओ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, इट्स ऑन। और उसके अंदर अभी टॉप नॉच ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ रही है, थैंक यू फॉर द रिकॉर्ड्स, और थैंक यू कि जहाँ पे कहीं लॉमैन किलर जैसी बड़ी ब्रांड्स अभी हमारे साथ जुड़ने वाली है, एंड विल बी स्टार्टिंग वर्किंग ऑन इट, सो दैट्स विद इन सम वीक्स वी आर ऑन विद द लॉन्च। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है? ऑडियंस के लिए मैसेज, ऑडियंस के लिए मैसेज ये है कि भाई काम ज़रूर करते रहना, बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ करना, रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा, मतलब सक्सेस आपके पीछे भाग के ज़रूर आएगी, पर ये नहीं है कि वो रातों रात आ जाएगी, उसके लिए ज़रूर मेहनत करिए, थोड़ा सा लक का फैकल्टी अंदर डालिए और सक्सेस आपको 100% मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू। चाहेंगे जय जी की जो अचीवमेंट्स है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या गाइडेंस देते हैं रोज, और अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरा तो वो गाइडेंस है नहीं इसमें, वो अपने आप में इतना काबिल है कि मेरा कोई बोलने का ज़रूरत ही नहीं है उनको कि तू ये कर या वो कर, वो पहले मेरे बोलने से पहले ही 2 कदम आगे हैं। और आज भी इन्होंने बोला कि डैडी आप आ जाना, मैं बोला तूने मेरे को बुलाया है तो ज़रूर माहौल ख़राब होएगा, पेटी बांध के रखना सब लोग। बाकी वो मेरे ज़्यादा 2 कदम आगे है, मेरे को बहुत प्राउड हो रहा है कि मेरे नक्शे कदम से भी आगे चल रहा है। जब इन्होंने बताया था कि इस तरह का कोई बिजनेस शुरू करना है, आपका क्या रिएक्शन था, आपने क्या कहा था? तभी मैंने ऐसा सोचा था कि शायद ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, थोड़ा डर भी लग रहा था मेरे को खुद को, मगर आस्ते आस्ते मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ गया इनको देख के कि नहीं ये कुछ करेगा, तो मैंने भी थोड़ा ढील छोड़ दिया और किया इसने, वो बड़ी बात है। बस वो सिर्फ बोलने की बात है, वो 50 साल से खुद काम कर रहे हैं, व्हेन ही वाज 12 12 साल की उम्र से मेहनत करे तो चौल से लेके आज बंगलों तक उनकी जर्नी बहुत लंबी है, तो वो बोलने के लिए और एक मीडिया कवरेज लगेगा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? उसने आशीर्वाद ही रखे हमेशा, एकदम उसने बोला मुझे कि काम करते रहना और आगे बढ़ते रहना, घर पे मत रुकना और काम करते रहना बस। ओके थैंक यू, सो अपनी मैम क्या कहना चाहेंगे जय जी की, जिस तरह की अचीवमेंट है उन्होंने आपका भी नाम लिया, तो किस तरह से मोटिवेट करते हैं जय भाई को और आप कैसे मोटिवेट होते हैं? मैं मोटिवेट होती नहीं हूँ, करना पड़ता है मोटिवेट, जैसे बोलते हैं ना कि रात को सोते नहीं है, तो जान तक अगर पहुँचना है तो चांद को छूने के लिए वो जो अर्ज लगती है, तब जाके वो 10th फ्लोर तक पहुंचता है, 20th फ्लोर तक पहुंचता है, चांद को देखते देखते आज वो 200 अवार्ड तक पहुंच गया है और तब जाके ये पद्मश्री के नॉमिनी तक पहुंचा है। सो फॉर मी इट्स इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट, बट द वर्क इज़ नॉट डन येट, मतलब उसको और आगे बढ़ना है। हमारा जो MBO 2 नया और खुला है उसके ऊपर काम चल रहा है, देयर वी हैव अगेन गॉट अवार्ड फॉर 150 square feet में 40 mannequins, हमने वहाँ पे एक और रिकॉर्ड बना दिया है, जैसे इन्होंने बोला कोलैबोरेशन विद लॉमैन एंड किलर चल रहा है, आगे और ब्रांड्स के साथ कोलैब्स करना है और अराउंड 5 to 6 more stores कमिंग अप, सो ही इज़ नॉट डन येट, इसको अभी और आगे जाना है। वो बोल रही है कि मैंने कैसी मैंने कहा कि आपको सेलिब्रिटी बनना था तो क्या सेलिब्रिटी वाली फीलिंग? हाँ। तो इसके साथ मतलब पहले से ही है, पहले से ही है। और हर एक रिकॉर्ड जहाँ पे भी फंक्शन हो, पैन इंडिया मैडम साथ में होती है, तो सब लोग पहले मैडम को ही ग्रीट करते हैं अभी कि मैडम आ गई है, तो मैडम की चेयर आगे लग जाती है, मैडम बैठते हैं, फिर हम पीछे से जाके अवार्ड वेवार्ड लेके बोलते कि अच्छा हो गया, तो मैडम इज एंजॉइंग द ऑल द लीजर ऑफ इट एंड शी डिजर्व्स इट, क्योंकि अगर वो नहीं बोलती कि भाई तेरे को कुछ करना है तो मैं सच में एक दुकानदार बन के ही रह जाता था, तो थैंक यू। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, इस जर्नी में आप बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं और आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं अपनी जर्नी में? सर दिस पॉइंट आई एम एक्चुअली रियली प्राउड ऑफ माई फादर कि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, एंड ऑल्सो द थिंग इज़ कि मुझे ये सीख मिली है उनसे कि लाइफ में वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे करना चाहिए, जैसे कि अगर हम काम कर रहे हैं, वी आर पुटिंग आवर हार्ड वर्क, और साथ में हम फैमिली को कैसे टाइम दे रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी अप्रिशिएटेड थिंग ऑफ हिम, दैट्स व्हाई आई एम
I'm really happy for him. So are you planning to join him or? Let's just see. Depends now. बताएंगे उसने अपना टाइम मांगा है yeah. वो भी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे पर मेरे लाइफ के बहुत दो अच्छे क्रिटिक हैं कि मैं कहाँ सही जा रहा हूँ गलत ये मेरे को मुंह पे बोलने वाले ये दो जनी हैं सो ये तुरंत बोल देते कि भाई अच्छा ये रिकॉर्ड में तूने क्या किया है या ये काम तूने क्या किया तो उन लोग क्रिटिकली मेरे को करते हैं तो इतनी क्रिटिक्स हो गई कि मैं परफेक्शन की तरफ चलने लगा हूँ अभी रिकॉर्ड की दुनिया में भी थैंक यू थैंक यू सो मच ओके सर की जो अचीवमेंट्स है आज तक हमने देखा कि 200 अवार्ड्स उन्होंने जीत चुके हैं आप लोग एज अ फैमिली उनकी है क्या कहना चाहेंगे क्या शुभकामनाएं होंगी आपके देखो हमारे सर जो हमको फैमिली की तरह रखते हैं घर जैसा एक हम उसके भाई लोग है वैसे ही रखते हैं और जो वो सर बोल रहे हैं कि एक टीम का हिस्सा है मदद है मेहनत है हाँ लेकिन जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं उनका अगर आशीर्वाद रहेगा तो आगे हमें उनका काम साथ में काम करेंगे अच्छा सा और आगे बढ़े बस उतनी इच्छा है आप में से और कोई बात करना चाहिए ये नहीं मेरी टीम ऐसा है कि वो बैक ऑफिस है एक्चुअल में कोई बोलता करता है कुछ नहीं है उनका काम बहुत बोलता है तो ये काम में ऐसा हो जाता है कि मैं ये जर्नी में हूँ या फिर मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ बट एक्चुअल जो बेस लाइन काम कर रहे हैं वो इंडो का है या मैनिक्विंस है या सर चले गए बाहर अवार्ड लेने गए हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को या आउट ऑफ इंडिया गए हैं तो मैं अगर समझो कि इतना टाइम नहीं हूँ तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि टीम मेरे साथ में 2004 से सो दे आर स्टिल देयर टिल 2023 तो एक दो डेकेड से मेरे साथ में तो कॉन्फिडेंस है कि कंपनी अच्छी चल जाएगी सो आई एम नॉट वरीड सो थैंक यू टीम अगर टीम ही नहीं होती थी तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता तो टीम छोटी सी है सारे ऑरेंज में दिखाई दे रही है इतनी ही टीम है जो 20 साल से मेरे साथ में सो दे आर डूइंग वेल फॉर मी इसलिए हर किसी को पर्सनल थैंक यू करना पड़ता है मुझे हर बार सो MBO2 को अवार्ड मिला है फ्रॉम इंडिया स्टार अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव अवार्ड्स फॉर 40 मैनिक्विंस एंड 150 स्क्वायर फीट सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम और ये जो रिकॉर्ड है ये पर्सनलाइज अभी ये तीनों जन रिकॉर्ड की दुनिया में आ रहे हैं सो हम महारथी हो गए उसके एंड दे आर स्टार्टिंग विद इट सो MBO2 का पूरा प्रोजेक्ट एक्चुअली मैं आई डोंट हैंडल ऑल दिस थ्री लेडीज सो अवनी माय वाइफ माय फ्रेंड एंड दी सो दे आर हैंडलिंग इट एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेल एंड होपफुली आप आगे 4, 5, 6, 7, 8 तक पहुंचा दें वेरी वेरी फॉरवर्ड वेरी ग्रेसफुली फॉर दिस हां मेहनत डालते रहिए MBO2 फिलहाल इट्स ऑन द सेम फ्रंट पेज ऑफ मैनिक्विंस एंड मैक्सिमम कलर जो हमारा USP है वो बट अलॉन्ग विद दिस वी आर मर्जिंग वी आर कोलैबोरेटिंग विथ किलर लॉमैन जैसी बड़ी ब्रांड्स जो आएगी उसके साथ हम ज़्यादा कोलैबोरेशन पे है सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ मोर ऑफ अ बुटीक स्टोर जो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट मतलब फैशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट अभी जो MBO का था उसके अंदर ऐड होके फैशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वी आर प्रमोटिंग दिस थैंक यू फॉर बीइंग हमको खुद को प्राउड फील हो रहा है हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनका नॉमिनेट पद्मश्री में हुआ है आज 12 साल से इंस्टेंट हम लोग काम कर रहे हैं हमको खुद को यानी कि लक्की फील कर रहे हैं कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं ये बोलते कम है पर काम बहुत ज़्यादा करते हैं आज 90% MBO पूरा स्टॉक फ्रॉम होलसेल टू रिटेल एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाई हिम सो वन मैन आर्मी जिसको हम बोलते हैं तो मैं सिर्फ आइडिया हूँ मटीरियलाइजेशन ये भाई की है तो मिस्टर परेश प्रजापति थैंक यू आप MBO के साथ इतने साल हो गए अवार्ड मिले और जय भाई के साथ जो कोलैबोरेशन होने वाला है इन फ्यूचर क्या कहना चाहेंगे भाई बड़ी खुशी हो रही है कि मैं दिल्ली से यहाँ बॉम्बे आया हूँ और जय के स्पेशल इनविटेशन के ऊपर कि ये जितनी मेहनत कर रहे हैं और अचीवमेंट्स आ रहे हैं ये इनके लिए एक क्रिस्टल की तरह काम करना चाहिए बहुत आगे बढ़ना चाहिए बहुत मेहनत करें इनकी टीम भी बहुत अच्छी है और इनका स्वभाव भी अच्छा है अचीवमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत खुशी की बात है थैंक यू सर जवाहर सर बाय हिमसेल्फ आज 160 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे है ही इज़ जस्ट यंग एज 80 ईयर ओल्ड और उनके पास में जितनी स्टैम्प की कलेक्शन है या वर्ल्ड में कहीं इतनी कलेक्शन आपको देखने नहीं मिलेगी तो सर भी डॉक्टरेट है
और उनके साथ में उतनी उनकी कलेक्शंस भी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम अभी मेरे साथ में ही वो G20 में साथ में है एंड ही विल बी हैविंग अ स्पीच और उसके साथ वो भी गिनीज के अंदर आ जाएंगे। तो जबर सर थैंक यू हमको इंस्पायर करने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो G20 हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे सर, बिल्कुल है ना। 3 मिनट की उनकी भी स्पीच है। तो 320 लोगों में से जवाहर जी भी एक है, मैं भी एक हूँ। तो मिलते हैं दिल्ली सर और बनाते हैं गिनीज। थैंक यू सर। 786 कूली फिल्म में सुना हुआ डायलॉग जो बैच पे था और 786 हमारे सामने खड़े हैं। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड में कितने भी 786 नंबर के टिकट्स, स्टैम्प्स, मैच बॉक्सेस या एनी नंबर एनी वेयर एंड ही हैज़ अ कलेक्शन। सो मिस्टर कृष्णमूर्ति एंड ही इज़ नाउ नॉमिनेटेड फॉर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज में भी बहुत जल्दी मिलेंगे सर। मैं बात करूँ? यस प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर एन कृष्णमूर्ति आचार्य है। मैं 786 नंबर है ना, मुस्लिम का जो इस्लाम धर्म का पुण्य नंबर है उसका हर चीज़ जमा करता हूँ। अभी तक मेरे को 3 डॉक्टरेट मिल चुका है और 150 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अभी मैंने पार किया है। 2 दिन के पहले मेरे को लिम्का का रिकॉर्ड्स मिला है, बहुत खुशी की बात है। और मेरा हिंदी में बोलने कुछ गड़बड़ रहेगा, माफ़ करना। और मेरा तो एक ही अपना देश में सब धर्म वाला मिलजुल के रहने का, देखने का नहीं हिंदू मुस्लिम ऐसा देखने का नहीं, मिलजुल के रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद। थैंक यू। तो मिस्टर आसिफ पोईसर वाला 25 ईयर्स दोस्ती पहले थी और आज मेरी टीम और MBO की पूरी टीम को प्लस जेमिनी है, ये सबको ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग से लेके एवरीथिंग गिवन बाय हिम। मिस्टर आसिफ, व्हाट एग्जैक्टली यू डू प्लीज? फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू कंग्रेचुलेट जय फॉर द नॉमिनेशन फॉर पद्मश्री। एंड एक और चीज़ इससे पहले कि मैं अपनी बात करूं, हम कॉलेज डे से हैं एंड वेर आर फ्यू पीपल जो जय की तरह हर दोस्ती को हर ओकेजन पे सबको साथ में लेके अगर हम चले तो वो है जय। आज हम लोग काफ़ी क्लोज हैं उनकी वजह से। एंड टॉकिंग अबाउट स्किल मास्टर, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लर्निंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स। सो किसी को भी अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, तो वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। प्लस वी ऑल्सो कंडक्ट लेक्चर्स फॉर कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स ऑन लीडरशिप सेलिंग स्किल्स। तो ये हमारा काम है। एंड एज अ स्पेशल टाई अप विद MBO, सारे MBO के जो कस्टमर्स है उनके लिए हम फ्लैट 15% डिस्काउंट ऑफर करेंगे फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड द फर्स्ट कोलैबोरेशन MBO थाई छे, दिस इज द फर्स्ट कोलैबोरेशन MBO इज मेकिंग और मेरे स्टाफ को ट्रेन करने के लिए थैंक यू। इट्स माय प्लेजर जय, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। जय भाई को क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, आप लोग कितना प्राउड फील करते हैं जय भाई को लेकर? वेल, मैं तो इसको बचपन से जानता हूँ, स्कूल फ्रेंड हूँ, उसके बाद कॉलेज फ्रेंड भी बना हूँ। सो माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद हिम, वॉट एवर ही डज आई एम ऑलवेज, यू नो, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद हिम। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट ब्रदर, whatever यू कैन से। काफ़ी चीज़ों में मतलब रात को भी कभी अगर कुछ काम होना तो पहला नाम याद आता है वो जय पटाड़िया है। सो ही इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड, ब्रदर, whoever यू से ही इज़। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द नॉमिनेशन दैट ही इज़ पुट इन टू। आई एम डेड श्योर दैट ही वुड गेट थ्रू इट एंड वी वुड हैव द गुड न्यूज़ कमिंग सून। थैंक यू, गॉड ब्लेस। So, by introduction, he is Mr. Ojas Nishar, owner of Vitamins Clothing for Girls. So, bhai bahut bade aadmi hai jo hamare saath mein khade hue hai. And the second goes, ye sab 25-25 saal se mere saath hai. Jaise maine bataya, mere life ke 2 critic hai main, uske baad ke jo sab critics hai wo mere saath khade hue hai. To un log mera kaam dekhte hue bole, are yaar isme kaun si badi baat ho gayi, to ye leke aake bata. मतलब बोले कि अच्छा नेशनल रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल तक तो पहुंच, अच्छा इंटरनेशनल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक तो पहुंच, अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पद्मश्री तो ला, अच्छा अब्दुल कलाम मिला है क्या तुझे? अच्छा नहीं मिला, अच्छा पटेल साहब का मिला है? नहीं मिला, अच्छा नेताजी का मिला है? नहीं मिला। तो ये हर एक अवार्ड के पीछे उनकी क्रिटिक्स होती है कि अच्छा यहाँ तक ही पहुँचा है, आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये क्रिटिक के मारे 200 रिकॉर्ड कर दिए, उसके बाद भी आज भी अगर उनको पूछोगे बोले तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने क्यों नहीं लगाया ना, एंटरप्रेन्योर ही बना ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो नेक्स्ट हमारे स्टील इंडस्ट्री से मतलब बहुत बड़ा नाम है, तो आप कुछ कहना चाहिए मैडम क्रिटिकली? सो वी हैव बीन विद हिम सिंस 24-25 ईयर्स नाउ
He, from day one, he's been such a hard worker and he always motivates all of us to do something in life. So we wish him all the best for his next level. Thank you. Am I true? Check? That we are friends for last 25 years. What I would like to talk about him is, more than anything else, it's the words are too less to describe him. So I'm always like, I won't be speaking because I don't know how to describe him in few seconds. Maybe he's a gift to the mankind, I would say. More than his achievements that he's done, practically, I feel he's more into mankind, as in serving people. So the thing that motivates all of us is about his being a very good human being and being with everyone. He's people's people. So I would always say his USP is being people's people. He always likes to bring smiles. He would always like to help everyone and achieve heights. So maybe that is the only reason wherever he's achieved today is because of the blessings he's got. It's nothing to do with the hard work, I feel. It's all because of the blessings, because he himself is a very pure soul. So we are privileged to be a part of this journey with him, and we are privileged to be his friend and his family. And we are blessed to have a friend like friend him. Like him. He is the first person, no matter what, कोई भी होने दो, फर्स्ट कॉल उसको ही जाता है, भले ही बात हो नहीं हो, पर इन आवर ऑफ नीड इट्स ओनली जय पटाड़िया. सो दैट्स द ओनली थिंग कि ही कैन गैदर पीपल. उसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. आई अंडरस्टैंड कि पद्मश्री की नॉमिनी आई है एंड इट्स अ बिग थिंग, बट फॉर अस नहीं भी होता तो ही इज़ टू दैट लेवल ओनली, क्योंकि हमारे लिए वो एक्टर ही है, स्टार है, SRK है. थैंक यू राकेश, ये क्लिप मुझे दे देना मेरी. सामने आके सच्चाई आती है, पीछे से तो कुछ भी बोल सकता है. सो दिस इज द ट्रुथ आई वुड से. सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू. द जर्नी वाज स्मॉल, खाली 25 साल हुए और 25 निकालेंगे मस्त. 25 और झेलने हैं. हां, झेलने हैं, टू बी मोर प्रिसाइज. हियर कम्स अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड. सो मिस्टर हितेश शाह कॉर्पोरेट में काम करते हैं, धंधे का कोई नॉलेज रिटेल वाला नहीं है. सो एक दिन मैं सिर्फ इनके सामने आया और इनको बोला कि भाई मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ. इसने बोला वेरी गुड. बोला वेरी गुड का मतलब क्या, यू वांट टू जॉइन इन? तो हम बोलते कि कोई एक दिन मांगता है, एक साल मांगता है. इन्होंने एक सेकंड मांगा हाँ बोलने के लिए. तो मैंने हाँ सुनने के बाद मैं खुद दो बार उनको क्वेश्चन कर रहा था कि आर यू श्योर कि आपको ये चालू करना है. तो मिस्टर हितेश जिनके वाइफ है, शी इज़ माई फ्रेंड सिंस 25 ईयर्स, हम लोग सब कॉलेज में एक साथ है. तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट MBO 2 प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया उन्होंने इंस्टेंट. और वो हाँ बोलने के आई थिंक सो विद इन 14 डेज वी स्टार्टेड MBO 2. ये हमारे खुद में भी एक रिकॉर्ड है कि 14 दिन में एक कंपनी हमने खड़ी भी कर दी, एक स्टोर चालू कर दिया, मर्चेंडाइजिंग हो गई और स्टोर स्टार्ट हो गया. सो ही हैज़ बीन अ वेरी गुड एंड अ ग्रेट सपोर्ट टू स्टार्ट विद. सो थैंक यू हितेश MBO 2 को प्लेटफॉर्म में लाने के लिए. या एंड थैंक यू.